दोस्तों क्या होगा जब अलग अलग यूनिवर्सेस के एलियंस हमारी दुनिया में आकर रहने लगे। उन्होंने तो बड़ी चालाकी से इंसानों का रूप लेकर उनके ऊपर ही हमला कर दिया था। कहानी की शुरुआत हमें कुछ बच्चों को दिखाते हुए होती है। उन बच्चों के ऊपर एक ग्रुप के लोग नजर रख रहे थे। इन सभी लोगों के गले के ऊपर अजीब तरीके के निशान मौजूद होते हैं, साथ ही साथ ये अपना गला अजीब तरीके से मोड़ भी रहे थे। ये पूरी जगह पहाड़ की एकदम चोटी पर मौजूद थी ताकि किसी को भी इन सारी चीजों के बारे में पता ही ना चल सके। अब वो सारे लोग एक एक बच्चे को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें एक डार्क रियलिटी बताई जा रही थी कि वो सारे लोग दरअसल एलियंस थे जो इंसानों की चमड़ी अपनी बॉडी पर पहनकर उनके ही जैसा बिहेव करते हैं। वो एलियंस एक एक बच्चों को कुर्सी पर बिठा रहे थे जो बच्चों के दिमाग की पूरी शक्ति एब्जॉर्ब कर ले रही थी। उनसे पावर जनरेट करने के बाद एलियंस एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर फायर करते हैं। वो सब कैसे भी करके उस बड़ी सी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हमले की वजह से बिल्डिंग का ऊपरी भाग नीचे गिरने लग जाता है और अब तो चारों तरफ तबाही मचना स्टार्ट हो गया था, जिसके तुरंत ही बाद हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। जैक बताई गई सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था, लेकिन ये सच है कि नहीं इस बात को बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैक को इस तरीके के सपने हमेशा आते थे, इसीलिए जैक सपने में जो भी चीज देखता है वो उसकी ड्राइंग बनाने लग जाता है। जैक ने तो इन सपनों के बारे में अपनी मॉम को भी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मॉम को लग रहा था कि जैक मेंटली डिसबैलेंस्ड है, इसीलिए जैक की मॉम ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजा था जो जैक को सलाह देता है कि वो ठीक से सोए। एक दिन जब जैक अपनी मॉम के साथ सड़क पर जा रहा था, तभी उसे अपने आसपास कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिनके गले पर सेम टाइप का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो सब एलियंस हैं। जैक तो काफी डरा डरा हुआ अपनी मॉम के साथ घर पर आ चुका था। जैक अब उसी रात अपने सपने में एक जादूगर को देखता है जिसके पास अनोखी पावर्स थी और वो बच्चों को पकड़कर उनसे एनर्जी अब्सॉर्ब करता था। वो जादूगर अब जंगल में एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। जादूगर को देखते ही बूढ़े आदमी ने उसके ऊपर गन तान दी थी, लेकिन जादूगर ने अपनी काली शक्तियों का यूज करके उस बूढ़े आदमी को मार दिया था, जिसके बाद बूढ़े आदमी का बेटा भी उस जादूगर पर गन तान देता है। जादूगर यहाँ पर बूढ़े आदमी के बेटे को ज्यादा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके बेटे के बॉडी में कुछ ऐसी अंदरूनी शक्तियां मौजूद थी जिससे कि कोई भी काली शक्ति वाला उसे मार नहीं सकता, इसीलिए जादूगर बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। अब जैक जब अपने सपने से उठा था तब उसे एक अजीब तरीके की बिल्डिंग दिखाई देती है। जैक ने तो तुरंत ही उसकी ड्राइंग बना ली थी, पर उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये बिल्डिंग है कहाँ पर, इसीलिए जैक ने अपनी बनाई गई फोटो को इंटरनेट पर डाल दी थी जिससे कि कोई ना कोई बता दे कि आखिर ये जगह कहाँ पर मौजूद है। कुछ दिनों बाद जैक को ये रिप्लाई मिल भी गया था। जैक तो बड़े एक्साइटेड वे में एड्रेस को फॉलो करते हुए उस जगह पर चला जाता है। जैक जब घर के अंदर पहुंचा तो उसे एक डिवाइस दिखाई देता है जिसके अंदर लिखे गए कोड्स डालने पर वहां एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन गया था जो देखते ही देखते घर की सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लग जाता है। जैक बहुत कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, पर वो उस पोर्टल में खींचा चला गया था। पोर्टल के दूसरी तरफ आने के बाद जैक को लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। चारों तरफ बंजर जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ी देर बाद ही जैक के सामने वही बूढ़े आदमी का बेटा आ गया था जिसे कि जैक ने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। इस आदमी का नाम रॉनिन होता है। वो तो जैक को अपना दुश्मन समझ के उसे मारने वाला था, लेकिन जैक रॉनिन को समझाता है कि वो एक पोर्टल की मदद से यहाँ पर आया था और उसने तुम्हें अपने सपनों में देखा है। जैक ने तो रॉनिन को वो सारी ड्रॉइंग्स भी दिखा दी थी जो उसने बनाई होती है, जिसके बाद रॉनिन श्योर हो गया था कि जैक उसका दुश्मन नहीं है। अब तो वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें बुरा जादूगर दिखाया जा रहा था जो सभी बच्चों की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता था। जादूगर को जैक के बारे में पता चल गया था कि वो इस दुनिया में आ चुका है, इसीलिए वो लगातार जैक को ढूंढने लगा था। रात होने पर रॉनिन और जैक एक जगह बैठकर कुछ बातें करने लग जाते हैं, जिसके अंदर रॉनिन जैक को बताते हुए ये कह रहा था कि ब्रह्मांड में अलग अलग टाइप की दुनियाएं मौजूद हैं और उसी तरह दुनिया में अलग अलग एलियंस और क्रिएचर भी मौजूद होंगे। ये क्रिएचर्स अपनी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते थे और इसी तबाही को रोकने के लिए वो बड़ी सी काली बिल्डिंग बनाई गई थी। इसी बिल्डिंग के वजह से कोई भी एलियंस दूसरी दुनिया में जा ही नहीं सकता था।
और यही रीजन होता है कि एलियंस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में थे। कुछ देर बाद जैक को अपने फादर की आवाज आती है, लेकिन जैक के फादर तो कई साल पहले मर चुके थे। जैक फिर भी बड़ा इमोशनल होकर अपने फादर की तरफ बढ़ने लगा था। तभी जैक के फादर एक बहुत ही खतरनाक डीमन में बदल जाते हैं। ये डीमन जादूगर ने ही भेजा था जैक को पकड़ने के लिए, पर वो जैसे ही जैक पर हमला करता पीछे से रॉनिन आ जाता है। रॉनिन ने डीमन को अपनी एडवांस गन की मदद से वहां से भगा दिया था, लेकिन अब रॉनिन के ऊपर एक दूसरे डीमन ने हमला कर दिया होता है। रॉनिन उससे भी काफी बहादुरी से लड़ रहा था और अब रॉनिन सारे डीमन से जैक को बचाने में कामयाब हो जाता है। जादूगर यहाँ जैक के बारे में पता लगाने के लिए उसकी दुनिया में चला गया था, जो डायरेक्टली उसके घर पर जाता है और छानबीन करने लग जाता है। जादूगर को जैक की ड्राइंग से ये पता चल गया था कि उसे हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। जादूगर ने तो अपने जादू से जैक के मॉम की भी यादें पढ़ ली थी, जिससे कि वो जैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और अब तो जादूगर जैक के सारे फैमिली मेंबर्स को खत्म करते हुए वहां से चला गया था। जैक और रॉनिन तो चलते हुए एक बहुत ही गरीब गांव में आ जाते हैं। वो दोनों यहीं पर कुछ दिन बिताएंगे। जैक के पास जादूगर की तस्वीर थी जो किसी अनजान जगह पर खड़ा हुआ था। अब उस चित्र को देखते हुए उसी गांव में रहने वाली एक लड़की ने बताया कि ये जगह यहाँ से बहुत ही पास है। साथ ही साथ वो लड़की जैक को देखकर ये भी बताती है कि तुम्हारे अंदर अनोखी शक्तियां मौजूद हैं। साथ ही साथ तुम टेलीपैथिकली किससे भी बात कर सकते हो और दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान सकते हो। जैक को तो अभी तक अपनी इन सारी पावर्स के बारे में अंदाजा भी नहीं था। जैक अब अपने सपनों में देखे गए कुछ यादें रॉनिन और उस लड़की को बताता है। उसके हिसाब से जादूगर ने अलग अलग दुनियाओं में जाने के लिए पोर्टल्स बना कर रखे थे, लेकिन उसका असली प्लान क्या है ये किसी को भी नहीं पता था। जादूगर जब अपनी दुनिया में वापस आता है तब उसने जैक को पकड़वाने के लिए अपने बहुत सारे सैनिक भेज दिए थे, जो उसी गांव पर जाकर चारों तरफ हमला करने लग जाते हैं। रॉनिन लगातार सैनिकों का सामना करता है और जैक को सही सलामत लेकर एक पोर्टल की मदद से वापस अर्थ पर आ जाता है। वो दोनों सेफ जगह पर तो पहुंच गए थे, पर उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जादूगर को ये पता है कि वो अर्थ पर आए हैं। इसीलिए अब जादूगर भी जैक की तलाश में उनके पास आ जाता है। रॉनिन तो जादूगर से लड़ने में बिजी हो गया था, वहीं जैक अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जैक को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, और ये लोग और किसी के नहीं बल्कि जादूगर के ही होते हैं। जादूगर जैक को पकड़कर वापस अपनी दुनिया में ला देता है और उसे सीट पर बिठाता है जो बच्चों के दिमाग से एनर्जी अब्सॉर्ब करते थे। जादूगर को पता था कि जैक के पास असीम शक्तियां मौजूद हैं, जिसकी मदद से वो ब्लैक बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता था। जादूगर जब जबरदस्ती जैक को सीट पर बिठाता है जो दिमाग से सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करती थी, लेकिन यहाँ पर जैक को अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। वो अपने दिमाग की सारी एनर्जी ब्लॉक कर देता है, जिससे कि डिवाइस एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ जैक ने टेलीपैथिकली रॉनिन को सब कुछ बता दिया होता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, जिससे कि रॉनिन तुरंत ही पोर्टल का यूज करके जादूगर के उस अड्डे पर पहुंच गया था। और अब जादूगर और रॉनिन आमने सामने होते हैं। रॉनिन ने अपनी गन की मदद से जादूगर पर फायर करना स्टार्ट कर दिया था, पर अफसोस जादूगर के पास काली शक्तियां थी, जिससे कि वो रॉनिन के सभी वार से बच जा रहा था। रॉनिन को समझ आ गया था कि सीधे तरीके से वार करना नहीं चलेगा, इसलिए उसने जादूगर के छत के ऊपर फायर कर दिया था, जहां पर पूरा कांच रखा हुआ होता है, जिससे कि जादूगर के ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां भी जादूगर ने अपनी शक्तियों का यूज करके उन कांच को रोक लिया था, जिसे कि वो उल्टा रॉनिन के ऊपर ही फायर कर देता है। रॉनिन उनसे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर गलती से कांच का टुकड़ा आकर उसके हाथ में लग जाता है। और अब जादूगर ने तो रॉनिन को घायल करके उसे मलबे के अंदर दबा दिया था। वहां जैक के दिमाग पर लगातार फोर्स डाला जा रहा था ताकि सारी एनर्जी बाहर निकाली जा सके, पर जैक अभी तक हार नहीं मानता। साथ ही साथ उसने टेलीपैथी की मदद से रॉनिन को भी ये मैसेज भेज दिया था कि उसे इंसानियत के नाते अंत तक लड़ना पड़ेगा। इस बात से रॉनिन को जाने पता नहीं कैसी एनर्जी मिल गई थी, जिसके बाद वो तुरंत ही उठकर जादूगर पर हमला करने लग जाता है। लेकिन अब रॉनिन थोड़ी चालाकी यूज करता है। उसने अपनी पहली गोली जादूगर के एकदम सामने मार दी थी, पर जब जादूगर उस गोली को रोकने जाता है तभी रॉनिन ने उसी गोली पर दूसरी गोली मारी, जिसका डायरेक्शन बदलने के कारण वो जादूगर के छाती में लग जाती है। रॉनिन को एक अच्छा मौका मिला और वो जादूगर पर लगातार फायर करने लग जाता है, जिससे कि जादूगर की जान चली जाती है।
रॉनिन जैक को भी उस खतरनाक डिवाइस से बचा लेता है। यानी कि अब जादूगर जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, उसके जाने के बाद सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो गई थी। वो ब्लैक बिल्डिंग भी सही सलामत होती है, जिससे कि अब कोई भी एलियन क्रिएचर दूसरी दुनिया में जंप नहीं कर पाएगा। जैक और रॉनिन ने मिलकर तो पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम को बचा लिया था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।